रानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जावर की बहुत ही स्वादिष्ट नमक वाली रेसिपी। तो चलिए रेसिपी बनाना। मैंने यहाँ पे लिया है लौकी और बहुत ही स्वादिष्ट जावर बनता है लौकी का। तो सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे, छिलका हटा लेंगे। तो देखिए मैंने लौकी को अच्छे से छील लिया है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है डंठल वाला, उधर का निकाल लेंगे। लौकी को अच्छे से घोल रही हूँ और लौकी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट लेंगे। इसके बाद हम इसका बारीक काट कर इसको तैयार करना है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। लौकी को मैंने काट लिया है। अब चलिए चावल को धो लेती हूँ। तो ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1.5 गिलास चावल। ये नया चावल है फ्रेंड्स। डेढ़ गिलास मैंने चावल ले लिया है, इसको धो लेती हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए लौकी भी तैयार कर लिया है काट करके। 1 केजी मैंने लौकी लिया था और 1.5 गिलास मैंने नया चावल लिया है और 3 पाव मैंने यहाँ पे दूध लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। डाल दे रही हूँ इसमें 1 चम्मच देसी घी और इसको गर्म होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है तो लौकी डाल देंगे इसमें। गैस पे चला देती हूँ और इसे हम थोड़ा पका लेंगे। लौकी हमारा थोड़ा थोड़ा पक गया है तो चावल डाल दे रही हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे लौकी के साथ। तो दोस्तों चावल और लौकी को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो मैंने जिस गिलास से चावल नापा था उस गिलास से मैं इसमें 6 गिलास पानी डाल रही हूँ। और इसे हम चलाते हुए इसे पका लेना है। हम कुकर में सीटी नहीं लगाना है, बस चलाते हुए चावल को अच्छे से पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड ये चावल जो है चेक कर लेती हूँ। ये देखिए चावल जो है पक गया है। तो गैस को बंद कर देती हूँ। तो गैस पे मैंने यहाँ पे बड़ा सा भगोना रख दिया है। इसमें डालूंगी घी देसी। तो देखिए मैंने 3 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया है, गरम हो गया है। तो डाल दी इसमें मेथी के दाने और मैं इसमें डाल दी 2 हरी मिर्च। तो देखिए हमारा तड़का जो है अच्छे से लाल हो गया है। तो मैं डाल दे रही हूँ ये चावल। तो देखिए मैंने चावल को डाल दिया है, इसको मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड हमारे यहाँ इसको जावर बोलते हैं, नमक वाला। नमक वाला मैं बना रही हूँ, आप मीठा भी बना सकते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे दूध को हल्का सा उबाल लिया है, इसको डाल दूंगी। फिर इसको मिक्स कर लेती हूँ दूध के साथ। जब उबलने लगा फ्रेंड तब हम इसमें नमक डालेंगे। उबलने लगा है तो इसमें नमक डाल दूंगी, स्वाद अनुसार नमक डाल दें। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें। जावर को उबाल कर अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर, 2-3 मिनट तक। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा जावर जो है बन के बिल्कुल तैयार है। इसे पतला ही थोड़ा रखते हैं क्योंकि बाद में जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ये पतला ही अच्छा लगता है। तो गैस को बंद कर देती हूँ। तो आज की हमारी जावर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई रेसिपी।